शाइन आंटी, आपका मैसेज आया, बहुत बहुत थैंक यू। और मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इब्राहिम, सलाम कर दो हमारे व्यूवर्स को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारी बेटी देखें, अभी सो के उठी हैं, सैरी कर रही हैं। इसाक पुत्र मौजूद हैं, अख्तर मौजूद हैं, अभी भाईजान आ रहे हैं। आज हमारी बहू नहीं है, रुताब अपनी अम्मी के घर गई हुई है रहने, आज इसलिए बोलचाल नहीं हो रही ज्यादा। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ चलेगा बीड़ू। सफान, अब्बू को आवाज दे आओ। सफान, आज मैं बीमार हूँ तो रूबी ने बनाई है सहरी, और सालन वालन सब ने अख्तर ऑफिस से ले आए थे। परसों मैंने आलू बनाए थे तो इस आदमी ने बोला मेरे ऑफिस में इतने मजे के आलू बनते हैं, मैं वो ला के खिलाऊंगा। आज ही लेकर आए, यकीन करें। ऐसे बेकार हानिया, कैसे हैं आलू? क्या ये मजे के वाले अच्छे नहीं थे? कितनी बदतमीज है ये, झूठी बेकार आलू हैं। जो खुद ना आलू के कतलियां बनाई थी, वो तो मजे की थी। हाँ, ये देखा, सबसे पहले बैठी थी और आखिर तक खा रही है। सबसे पहले बैठी है ये और अभी तक खा रही है। पप्पा के साथ भी खा रही थी, अब्बू के साथ भी खा रही है। The next day. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब सही होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी सही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्ट की जो करवाए थे उसकी रिपोर्ट आ गई, ब्लड कम है बहुत ज़्यादा, पर इंशाल्लाह खाएंगे पिएंगे सही हो जाएंगे। क्यों भाई? हाँ, अभी एक दो टेस्ट और रह गए हैं, वो भी करवाने हैं जाकर, कि ब्लड प्रेशर हाई क्यों हो रहा है। बस आप लोग अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे डिप्रेशन मत दें, व्यूज़ दें, लाइक एंड सब्सक्राइब दें ज़्यादा से ज़्यादा। इब्राहिम बोलो, सब लोग लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं करेंगे तो कुट्टी पुलिस आ जाएगी घर पर। तो भाई अपने अपने घरों के एड्रेस दे दीजिएगा, जो जो देखता है और लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करता। 46% लोग अनसब्सक्राइबर हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज हमारा फूड पांडा ना थोड़ा खामोश है, और बंद हो गया, खुल जा, खुल गया, आज ये खामोश है, दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा, आज ऑर्डर नहीं आ रहा है। मैंने आज बहुत कुछ बनाया, दिखाती हूँ आप लोगों को। चले मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या बनाया है। ये देखें, ये है अचार गोश्त बना हुआ रखा है, ये पूरा, ये चला जाएगा कल तक। ये है कढ़ाई गोश्त, ये दोनों इस तरह पैक करके रख देती हूँ मैं, ये अचारी कढ़ाई, ये अभी हम, ये जो है ना इंशाल्लाह कल तक हमारा ख़त्म हो जाएगा सब। और ये नियत्ता हमारे पास आया हुआ है कि हम इनको कढ़ाई गोश्त दे दें, लेकिन नहीं, मैं नहीं दूंगी। अंडा पर और ये बनी हुई है बिरयानी, ये भी अभी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो है। और आप ये देखें, मैंने इतना सब कुछ बनाया और मेरा किचन बिल्कुल साफ है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं रायता बना के रखती हूँ क्योंकि ना वो जाता है उसके साथ, डील के साथ रायता जाता है। और आज मैंने एक और काम किया, ये देखें, मैंने पूरा फ्रिज भी धोया, पूरा फ्रिज भी साफ किया और फ्रीज़र, असल में ना बहुत वो हो रहा था तो ये मैंने काम किए सारे। कपड़े तय करके रख दिए हैं, अब ये हानिया कपड़े उठा के रख दो बेटा, सब तय हो गए हैं, ये अभी रख देगी हानिया। तो ये देखें जनाब, बहुत काम किया आज मैंने। अपो टैप दे दो इसको जल्दी से, बस अभी दे दो। मेरा दुपट्टा, रात के 2:30 बज रहे और यहाँ पर जो है ना दिन निकला हुआ है। ये हफ्सा ने अपने लिए बनाया है पराठा, और हफ्सा आज नहाई है तो इतनी प्यारी लग रही हैं, बाल भी अच्छे लग रहे हैं हफ्सा के, देखें। और इब्राहिम जो कभी भी नहीं नहाता, हाँ,
हाँ क्या नाम आता हो? कभी नहाया हूँ मैं। झूठे, जो पानी मारने गया था मैं, मेरे सूट का दुपट्टा नहीं ला के दिया। ये हमारे घर का सबसे नाकारा लड़का। अच्छा सर, इधर खड़े हो गए, भाभी को मिस कर रहे हो, बोल तो दो। भाभी आपको बहुत मिस कर रही। हाँ भाई, तुम बताओ, तुम्हारे चूजे को इब्राहिम किसके साथ सुन रही है? बोलो इब्राहिम। भाभी ने तुम्हारे चूजे को बद्दुआ दी थी, इधर देखो। भाभी ने बद्दुआ दी थी ना, तो तुम उनके ऊपर डालते थे, डरा देते थे उनको। मैंने देखा फिर आज मैंने कितनी मेहनत की है, क्योंकि बीमारी के बाद उठ के ना मैं बहुत फ्रेश हो जाती हूँ दवाई ववाई खा के, तो मैंने ये सब कुछ बना लिया। और रुताबा नहीं है, रुताबा के साथ जो है ना वो बातें करने में लग जाती हूँ, इतनी बातें भगाड़ते हम लोग कि हम मैं कोई काम नहीं कर पाती। उसका भी दिल नहीं लग रहा है अपने मायके में। रात को 11:30 बजे फ़ोन आया कि मुझे अप्पो आकर ले जाएं। मेरे पास बाइक नहीं थी, वरना मैं उसको ले आती, और फिर मैंने काम भी फैलाया हुआ था, तो इस वजह से मैंने कहा अभी आएगी ये मेरे साथ लग जाएगी, फिर तबीयत भी ठीक नहीं है उसकी, तो इसलिए मैंने कहा कि तुम अभी वहीं रहो, सुबह आ जाना उबैद के साथ। और उसका दिल नहीं लग रहा है, उसकी अम्मी भी यही कह रही हैं कि क्या भाई इसको ले जाओ आके, ये बार बार यही कह रही है कि मुझे छोड़ के आओ, मेरे घर छोड़ के आओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, और बहू भी अच्छी मिली। अगर कोई और नखरेलू टाइप मिलती तो पता नहीं, शायद वो फिर अपने तरीके से रहती, लेकिन अच्छे तरीके से रहती है माशाल्लाह माशाल्लाह से। खैर, मिलते हैं आपसे कल एक नए दिन एक नई शुरुआत के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बस रमज़ान की वजह से थोड़ा कंटेंट जो है ना वो शॉर्ट हो जाता है, समझ नहीं आ रहा होता कि मैं आपको क्या दिखाऊं, क्योंकि इबादत का वक्त होता है। इबादत के टाइम पे ना थोड़ा सा ये जो है इबादत के लिए हमने रखा हुआ है, इबादत करनी है भाई, वो उस चक्कर में वीडियोज़ नहीं बनाती फिर मैं। तो ये एक महीना तो मिलता है, मेहमान है, चला जाएगा। आप और हम हैं, अल्लाह ताला हम लोगों को ज़िंदगी दे, आपको ज़िंदगी दे, और हम लोग इसी तरीके से हमेशा मिलते रहें। आप लोग अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे बहुत सारी दुआएं मिली, जो लोगों को मेरा नंबर पता था मेरी तबीयत का सुन के उन्होंने मुझे मैसेज किया, शाइन आंटी आपका मैसेज आया, बहुत बहुत थैंक यू। और मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस शिकायतें देखने आ जाएं, मम्मी नहीं है तो आपको आना चाहिए, ठीक है, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। और हफ्सा भी कर रही है शाहिद नानू का इंतज़ार, बुलाओ बोलो, अनिक मामू को लेके आना है। चलें फिर मिलते हैं आपसे कल एक नए दिन एक नई शुरुआत के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।